हे गाइस, सलाम अलैकुम। मैं हूँ, आप अच्छे से होंगे? घर में सब मजे में। भाई ने सोचा मैं व्लॉग बनाऊं, तो एक्चुअली आदिल ने भी अभी फोन किया। उसने मुझे बोला कि हम कहीं जाएंगे घूमने के लिए, तो मैंने बोला पहले नमाज पढ़ के जाएंगे। भाई नमाज पहले पढ़नी है, तो अभी हम गाइस जा रहे हैं। तो ये मेरे साथ मेरा छोटा भाई उस्मान है। हाय कर, हाय कर, हाय कर, हाय हाय। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाहर चल के कि हमको कहाँ पे जाना है। तो दिखाते हैं गाइस आपको, तो फिर मैं जाऊंगा आदिल के पास, पहले आपको दिखाऊं। गाइज हमको अभी उस पहाड़ पे जाना है ऊपर, उसको बोलते हैं पुरानी टनल एक्चुअली में, तो हमको वहीं पे जाना है। तो मैं पहले जाता हूँ, जाना है मुझे अभी आदिल के पास, तो अभी मिलेंगे थोड़ी देर बाद। वो भी मेरा बाहर वेट कर रहा है, तो गाइज चलते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। व्लॉग तो मुझे कल बनाना था एक्चुअली में, तो कल यहाँ पे बारिश पड़ रही थी बहुत ज्यादा, तो फिर मूड ही नहीं बना। मैंने सोचा नहीं अभी तो सर्दी है बहुत ज्यादा, तो आज थोड़ी सी धूप निकली थी, ऊपर से फ्राइडे भी था, जुम्मा था आज, तो इसलिए लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि पहले नमाज पढ़नी थी। तो अभी जाएंगे आदिल के पास, तो निकलेंगे फिर वहां के लिए। पुरानी टनल जो मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ से बहुत ही दूर है वो, मतलब बहुत ज्यादा, कम से कम 20-25 किलोमीटर, तो हमारा भी चक्कर लग जाएगा। तो मैंने सोचा व्लॉग भी बना दूं मैं तब तक के लिए। तो अभी तो हम थोड़े से फनी वीडियो बना रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ यार लोगों को हंसाना है, बस अपना काम तो हंसाना है बस। अच्छा आदिल भी मेरे पास, तो जाते गाइस, मिलते अभी। तो गाइस जा रहे हैं हम पुरानी टनल, तो अभी हम चल रहे हैं फिल्टर रोड पे, तो अभी इससे आगे पहुंचेंगे हम नेशनल हाईवे पे, तो वहां से जाएंगे फिर तेल भरने, क्योंकि गाड़ी में तेल नहीं है, तो रास्ते में रुक जाएगी कहीं पे। अभी तो आराम से ही चल रहे हैं हम। आपको दिखाऊंगा मैं कि यहाँ इस साइड कितनी बर्फ है, मतलब हर साइड बर्फ ही बर्फ है, नीचे तो कहीं पे भी बर्फ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बर्फ है, बहुत ही ज्यादा, मतलब हद से भी ज्यादा। कल भी तो गिर रही थी थोड़ी सी, लेकिन मतलब फिर तो बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन गिर रही थी। मैं अनंतनाग गया था कल, तो वहां पे तो बारिश पड़ रही थी, तो देख सकते हो आपकी। हमको तो उस ऊपर पहाड़ पे पहुंचना है, क्योंकि वहां तो बहुत ही ज्यादा बर्फ है, वहां पे तो हसीन नजारा होगा, मतलब बहुत ही अच्छा नजारा होगा, व्यू होगा देखने के लिए वहां पे। तो ये आदिल साहब है, जो बड़ा ही मायूस बैठे इस टाइम, पता नहीं बात ही नहीं कर रहा है। ये सॉन्ग बोल रहा था, सॉन्ग लगा के, मैंने बोला सॉन्ग नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं लगाने, बस सॉन्ग तो बंद ही रख। तो अभी हम पहुंचेंगे नेशनल हाईवे पे, तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये पहुंच गए हम नेशनल हाईवे पे, अभी जाएंगे पहले पंप पे तेल भरने के लिए, क्योंकि गाड़ी में तेल बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा भी तेल नहीं है गाड़ी में, तो कहीं पे रुक जाएगी रास्ते में ही। तो जा रहे हैं हम तेल भरने। तो ये देख सकते हो आप, हम पहुंच गए। तो गाइस निकले हम पंप से, तो अभी जाएंगे हम पुरानी टनल की तरफ, मतलब उसी रोड पे जाना है भाई। मतलब मैं आपको क्या बोलूं, मेरे को, मैं अपने जज्बातों पे काबू नहीं कर पा रहा हूं कि इतने टाइम के बाद व्लॉग बना रहा हूं मैं। तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं भाई, क्योंकि आपसे बात हो पा रही है भाई की, मतलब इंसान को जो वो खुशी मिलती है ना, मतलब ये खुशी कभी कभी मिलती है इंसान को, मतलब कि यार, मतलब वापस आ रहे हैं हम, तो अब पुरानी टनल जाने है, ऊपर जाने, मतलब जो पुरानी टनल है कि मतलब पहले जमाने का रोड तो वहीं से था, मतलब जब गाड़ियां वहां पहले जमाने में चलती थी, तो वहीं से वहीं पर टनल थी, तो उसी को पुरानी टनल बोलते हैं। तो फिर नीचे बन गई दूसरी टनल, जवरल टनल, उसके बाद अब बन गई काजीगुंड में टनल, तो अर्थ अब तो हर जगह टनल है, लेकिन ये जो है ये तो पुरानी थी, कम से कम 90 से पहले पहले की, मतलब वहीं से पहले लोग आते थे कश्मीर, मतलब पुराना रोड है वो। तो अभी तो गाइज मैं आपको क्या बोलूं, हम पहुंच गए थे रोड पे, तो यहाँ पे रोड ही ब्लॉक है, बर्फ नहीं उठाई है किसी ने ऊपर, तो हमको नहीं पूरा पता था कि बर्फ उठी होगी या नहीं उठी होगी, लेकिन रोड ही ब्लॉक है, तो प्लान कैंसिल हो गया पुरानी टनल का। लेकिन आज तो भाई निकला है ब्लॉग बनाने के लिए, तो आज जाएंगे हम तो बानीहाल जाएंगे नई टनल से, तो ब्लॉग भी बन जाएगा और आपको भी दिखाते चलेंगे गाइज। पुरानी कैंसिल की ट्रिप तो कैंसिल होगी, तो अभी बैठे हैं यहाँ पे, मिला था मुइन भी, मिला था भाई को, ये अपना भाई। तो गाइज इसकी भी चैनल को सब्सक्राइब करना सब,
तो और भाई की वीडियो को सब प्लीज दोस्तों में शेयर करो, भाई को सपोर्ट करो, आप सब आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा नीड है। तो गाइज अब तो कैंसिल हो गया पुरानी टनल जाना, तो अब जाएंगे हम जाएंगे बानिहाल नई टनल से, तो आपको भी दिखाते चलेंगे। गाइज बने रहे हमारी वीडियो के साथ, भी ये भी आएगा अब हमारे साथ, इसका भी इसको भी बेचारे को ब्लॉग बनाना, तो ये भी जा रहा था पुरानी टनल क्योंकि रोड ही ब्लॉक है, रास्ता ही ब्लॉक है, तो अब जा रहे हैं हम। हमने सोचा अब जाएंगे ब्लॉक बनाना है ये, वैसे भी तो जाएंगे बानिहाल अब। तो ये मुइन तो चल रहे हम, तो पहुंच गए हम अभी यहाँ लोअर मुंडा, तो मतलब टनल के नजदीक ही पहुंच गए अभी, तो जाएंगे बानिहाल, आपको दिखाते चलेंगे क्या सीन होगा बानिहाल में। तो गाइस ये पहुंच गए हम जो कि नई टनल बनी है काजीगुंड में, तो अभी यहां से जाएंगे बानिहाल, आपको दिखाएंगे भी टनल। ये पहुंच गए हम नई टनल जो बनी है, तो अभी टनल के अंदर जाएंगे, तो जा रहे हैं गाइस अंदर टनल के अंदर। तो यहां पे रोका था पुलिस वालों ने, हमने बोला सर अभी हम जल्दी वापस आ जाएंगे, पता नहीं सफाई होने वाली है अंदर की क्या होने वाला है। ये है टनल अंदर से, तो मूड था पुरानी टनल का जाने का लेकिन मूड ही खराब हो गया, वहां पे तो इससे ज्यादा मजा आ जाता, मेरा तो मूड वहीं जाने का था पर मूड ही मतलब बर्फ ही नहीं उठी है वहां पे, फ्लॉन ही कैंसिल करना पड़ा, नहीं तो जाते हैं पुरानी टनल ही जाते हैं हम। फाइनली टनल से बाहर निकले हम, हाल बाल बच गया मैं। टनल में इतनी गर्मी हो रही थी और ऊपर से मतलब उतनी हवा भी नहीं थी, मतलब हो गया था इंसान, तो फ्रेश हवा मिल रही है इस टाइम, और आप देख सकते हो कि बाहर कितना हसीन नजारा है, मतलब कितना अच्छा मौसम है, कितने अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं। तो देख सकते हो गाइस पहुंच गए हम, मतलब कश्मीर से आ गए अब हम जम्मू बानिहाल पहुंच गए हम, मतलब 20 मिनट में पहुंच गए हम जम्मू बानिहाल। तो बानिहाल पड़ता है डिस्ट्रिक्ट रामबन से, उस पहाड़ पे जाना था हमको, तो लेकिन बर्फ नहीं उठी है वहां पे रोड पे, तो इसीलिए हमने सोचा बानिहाल ही आएंगे अब, उसी पहाड़ पे जाना था, लेकिन वहां पे बहुत ही हसीन, मतलब आप देख सकते हो कि कितने कैंट पहाड़ दिख रहे हैं इस टाइम। तो अभी हम यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर क्योंकि फ्रेंड का वेट करना है, मुइन भी आ रहा है पीछे से, तो उसी का वेट कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हो बानिहाल रेलवे स्टेशन, तो यहाँ से जम्मू का रास्ता है, तो हम वहां से वापस आएंगे, तो वापस निकलेंगे हम। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने पिछले वीडियो में प्यार दिया है, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी आप ऐसा ही सपोर्ट करते रहोगे भाई को, तो बस भाई की चैनल को प्लीज सब दोस्तों में शेयर करो गाइज, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा नीड है। तो इंशाल्लाह गाइज मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम गाइज, अच्छे से रहना सब, और भाई के लिए दुआ करते रहना।